नारायण नारायण नारायण। चैनल से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं, प्रेमी जनों को, उपासकों, साधकों एवं भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद कि उन्होंने 21 जून में जो सूर्य ग्रहण काल रहा उस काल में श्री बजरंग बाण का दिव्यास्त्र प्रयोग किया। और चूंकि ये प्रयोग राष्ट्र कल्याणार्थ, राष्ट्र रक्षणार्थ और उन शत्रु राष्ट्रों के विरुद्ध था, जो हमारे देश पर अपनी गिद्ध दृष्टि बना के रखे हुए हैं, निश्चित रूप से हमारी भारतीय सेना, हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व अपने आप में सक्षम है। ये 1962 का नेतृत्व नहीं है। और मैं सदैव इस बात से, भारत का एक नागरिक होने के नाते, चिंतित रहता हूँ कि इस भारत भूमि पर किसी भी अधम निराधम और नीच पामर लोगों की कभी कुदृष्टि न पड़े, कभी उनको सफलता न मिले। और निश्चित रूप से ये भी है कि हमारे देश के साथ जो इन 70-80 वर्षों में हुआ, अंग्रेजों के काल में हुआ, वो अत्यंत कष्टकारक रहा है, शोषणकारक रहा है। और मेरी कामना, आप सबकी कामना यही है कि हमारा भारतवर्ष, हमारा ये भगवा ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज पुनः अपनी गौरवमय स्वरूप को, अपनी गौरवमय स्थिति को प्राप्त करे। जिस प्रकार के जो घाव, जो कलंक हमारे भारत भूमि के हृदय में, भारत माता के हृदय में अभी भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनका समाधान हो, ये सभी चाहते हैं। और हमारी भारतीय सेना, हमारे सैनिक, हमारे वीर बहादुर सक्षम है कि इस भारत के गौरव को वो पुनः स्थापित करेंगे और उनके कल्याणार्थ, उनके परिवार के कल्याणार्थ उनको दैवी संरक्षण प्राप्त हो और उन्हें एक साहस, बल, बुद्धि, विवेक प्राप्त हो। इसलिए ये श्री हनुमान जी का बजरंग बाण दिव्य अस्त्र प्रयोग था, क्योंकि बल, बुद्धि, विद्या की प्रार्थना हम लोग श्री हनुमान जी से करते हैं कि हमें बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ऐसे प्रार्थना करके हम उनकी आराधना करते हैं। और निश्चित रूप से वे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी है, बल बुद्धि साहस पराक्रम के साक्षात साकार इस पृथ्वी पर विराजमान एक ऐसे शक्ति के स्वरूप है, एक ऐसी ऊर्जा के स्वरूप है जिनकी ऊर्जा का, जिनकी शक्ति का, जिनके सामर्थ्य का, जिनकी सिद्धि का कोई कहीं पर भी तोड़ नहीं है, कहीं कोई उनके साथ समानता नहीं है। ऐसे हमारे आराध्य श्री हनुमान जी का ये एक दिव्यास्त्र प्रयोग था। आने वाले समय में हम सीमा पर सैनिक की भूमिका तो नहीं निभा सकते, परंतु आप सभी हमारे मार्गदर्शन में और अपनी स्वप्रेरणा से, स्वफूर्ति से, अपने शुद्ध भाव से राष्ट्र के प्रति, अपनी जो राष्ट्र भावना है उस भाव से आप एक ऋषि की भूमिका निभा सकते हैं और आप निभा रहे हैं। हमारे इन दिव्य शक्तियों का, दिव्य देवताओं का, देवी शक्तियों का कैसे प्रयोग किया जाता है,
कैसा उसके हम समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने कल्याण के लिए और राष्ट्र के लिए कैसा उसका प्रयोग कर सकते हैं, वही मार्गदर्शन दे रहा मेरा इस चैनल के माध्यम से मुख्य उद्देश्य है। और मुझे प्रसन्नता है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन सक्षम, समर्थ, श्रद्धावान और राष्ट्रभाव से ओतप्रोत ऐसे अनेक साधक श्रद्धालु इस अभियान के साथ, हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हैं और जिन्हें मैं कभी जानता नहीं, जिनसे कभी मेरी वार्ता नहीं है, परंतु वे कहीं ना कहीं मेरे शब्दों के माध्यम से हमारी आत्मा, हमारा हृदय परस्पर जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाएं परस्पर जुड़ी हुई है, किसी न किसी केंद्र बिंदु पर हम एक हैं और हमारा सामर्थ्य, हमारी दैवी शक्ति कहीं ना कहीं एक जगह पर किसी न किसी केंद्र बिंदु पर आकर एक हो जाती है। और वो केंद्र बिंदु है राष्ट्र कल्याण की भावना, वो केंद्र बिंदु है राष्ट्र की उन्नति और विकास की भावना, वो केंद्र बिंदु है दुष्टों का दमन, वो केंद्र बिंदु है शत्रु राष्ट्र का हमारे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र है उसका शमन। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ हम सब एक है। धर्म के नाम पर भले ही कितना अधर्म फैला हो, कितना भी सनातन संस्कृति और कुछ चोट पहुँचाने के प्रयत्न की गई हो, ऋषि मुनियों के ज्ञान विज्ञान को कितना भी समाज से छीनने का प्रयत्न किया गया हो, फिर भी उसकी चेतना को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। सूर्य को थोड़ी देर के लिए ग्रहण लग जाए, उसके सामने बादल आ जाए, इसी से सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो मैं आप सभी को इस बजरंग बाण दिव्यास्त्र प्रयोग में सम्मिलित हुए पुनः अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और मुझे भी इस स्वयं आश्चर्य है कि इस ग्रहण काल में कुछ बहुत से साधकों ने 100, 128, 151, 108 ऐसे पाठ किए और अनजाने में ही सही आप लोगों को जिसका आभास नहीं होगा, परंतु आपने क्या प्राप्त किया है, या आपसे अनुभव तो कर ही रहे होंगे, परंतु आपने क्या प्राप्त किया है, उसकी महिमा क्या है, उसको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। शायद अभी उसका आप उतना महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बजरंग बाण का जो स्वरूप है वो मेरा अपना निजी प्रयोग किया हुआ है, नहीं साधकों का प्रयोग किया हुआ है। कुछ श्रद्धावान है, मेरे प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, उनको लगता है कि नहीं स्वामी जी का ज्ञान समाज के हित में है, स्पष्ट है, अनुभव सिद्ध है, शोधयुक्त है, फिर भी वो लोग कभी कभी प्रश्न कर देते हैं कि गुरु जी, स्वामी जी, ये आपने बजरंग बाण बताया है, इसमें ओम नहीं है, एक बजरंग बाण हमारे पास रखा हुआ है, इसमें ओम लिखा है, दो चार लाइनें उसमें अधिक है, अब ये बताइए कि हम इस बजरंग बाण को पढ़ें या उस बजरंग बाण को पढ़ें। तो ऐसी शंका आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवद गीता कहती है कि अज्ञेय अश्रद्धानस संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञानी अश्रद्धालु और संशय आत्मा का विनाश होता है। विनाश होता है मतलब उसको उस साधना में असफलता मिलती है। हमें बड़ा कष्ट होता है जब आप इस प्रकार के शंकाएं करते हैं, क्योंकि इससे आप ही की हानि होती है। जब आप इसके शास्त्रों के बारे में कहते हैं कि यादृशी भावना यश सिद्धिर भवति तादृशी, अगर आप उसमें विश्वास हो फलदायक विश्वास रखते हैं, जितनी आपकी निष्ठा और विश्वास प्रबल होता है उतना ही आपको उसका प्रभाव, उसकी महिमा आपके सामने आती है। और जब आप कोई संदेह करते हैं तो उसमें वो प्रभाव उतना कम हो जाता है, वो अनुभूतियाँ हो नहीं पाती है, वो फल आपको मिल नहीं पाता है, इससे मुझे कष्ट होता है। जब आपको मुझ पे श्रद्धा है, जब आपको मालूम है कि एक व्यक्ति एक अनुभव से कहता है, आज हमने 20-25 वर्ष इस क्षेत्र में बिताए, इन साधना से क्षेत्र से अनुभव के आधार पे कहता है, फिर अनेक साधकों के, मैं तो मुझे जितने व्हाट्सएप पे संदेश आते हैं उतने तो मैं संदेश पोस्ट भी नहीं कर पाता हूँ, अनेक साधकों के बहुत अनुभव भी आते हैं, मैं उतना देख भी नहीं पाता हूँ, ईमेल पर भी बहुत लोगों के अनुभव आते हैं, और कुछ कारणवश ऐसे भी अति दिव्य अनुभव हो जाते हैं कि जिनको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी देवी अनुभव को सार्वजनिक करने की एक सीमा भी होती है,
और मैं उस सीमा को थोड़ा उल्लंघन करते हुए आपके सामने केवल इस भाव से कि आप लोगों में जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, जो भाव है, महिमा है उनकी, वो आपके समक्ष रखूं और आपकी श्रद्धा भावना को दृढ़ करूं। फिर भी ये प्रश्न आने का क्या क्या अर्थ है, जो आपको श्रद्धा है, हम आपके सामने अनुभव रखे गए हैं और उसमें यदि ओम होना आवश्यक होता तो मैं आपको बताता ना कि इसमें ओम होना चाहिए। यदि मुझे लगता कि इसमें ये लाइन होनी चाहिए तो मैं आपको बताता कि ये होना चाहिए। उसका शुद्ध स्वरूप, क्योंकि मेरा अनुभव सिद्ध भी है और मुझे भी लगा कि हाँ ये शुद्ध स्वरूप है तो आना चाहिए। अब ये तुलसी कृत है, कहाँ से है, कैसा है, ये सारे नकारात्मक चिंतन आपके मस्तिष्क में आकर कहीं ना कहीं आपको आसुरी तत्व तो जो रोकता है। जब आपको हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जब आपको ये देख रहे हो कि स्वामी जी के द्वारा बताया हुआ बजरंग बाण लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को अनुभूतियाँ हो रही, लाभ हो रहा है, तो आपको सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं बिल्कुल ये सब मार्ग बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें समस्या नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष सब कुछ खोल कर तो आपके सामने रखा गया। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, सामने गंगा जी भी है, लोग नहा भी रहे हैं और फिर भी आप वहीं पर खड़े खड़े विचार कर रहे हो कि पता नहीं ये गंगा जी हैं या नहीं है, नहाऊँ कि नहीं नहाऊँ, डुबकी लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दोष बाधा आपके साथ जुड़ी हुई है और ये बाधा जो है आपको उस पाठ के संपूर्ण फल को प्रदान करने में बाधक बन रही है। जिज्ञासा बुरी नहीं होती है, परंतु शंका जो होती है, जो संदेह है, वो विनाशकारक माना गया। कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, वो ठीक है। अब इसमें ओम क्यों नहीं है, इसमें दो लाइन अधिक है, जब जो चीज़ प्रमाणित, हमने आपको उसको प्रमाणित भी कर दिया, हमने अनुभव युक्त भी बना दिया, उसको शोध युक्त भी बना दिया, उसके उपरांत भी यदि आपके मन में शंका है, अश्रद्धा है, संशय है, तो ये केवल आप लोगों का जो कोई ऐसी बाधा है, कोई दोष है जो आपको आगे बढ़ने में, उन्नति में वो बाधक बन रहा है। तो आप इस शंका को, इस संदेह को त्याग करिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान बनिए और आने वाले समय में भी मैं केवल वही विषय आपके समक्ष रखूंगा जिससे आपका हित होगा और कल्याण होगा। दुर्गा सप्तशती को लेकर भी अनेक साधकों के मन में शंकाएं थी, भय थे, सब दूर कर दिए, लोगों ने पाठ किया और अनुभव उनको मिला। हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए ऋषि मुनि के ज्ञान विज्ञान को समाज के कुछ अपने ही लोगों ने इतना अधिक संशय ग्रसित कर दिया, इतना अधिक समाज को भयभीत कर दिया, इतना अधिक भयभीत कर दिया कि हम शंख बजाने को, छूने को डरते हैं। नहीं, घर में शंख नहीं होना चाहिए। किस व्यक्ति ने कहा, कब कहा, कौन से शास्त्र में कहा, नहीं। और व्यर्थ की बातें मस्तिष्क में घुसी हुई है, जिन देव देवताओं का कोई अर्थ नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, सत्यनारायण की कथा, कौन से सत्यनारायण देवता है, कहाँ वास करते हैं, को कैसा उनका स्वरूप है, कुछ अता पता नहीं है। संतोषी माता की कथा, वैभव लक्ष्मी का व्रत, ये सारे जो अशास्त्रीय, जिनका कोई शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसे विषय हमारे मन मस्तिष्क में इतने घुसाए गए कि मूल चीज़ों से हम भटक गए, मूल साधनाओं से भटक गए। आज बजरंग बाण आपके सामने रखने में, जब सामने रखा गया, आज से 2012 में मैंने जब इसको चैनल पर भी मैंने इसका प्रचार किया था, उस समय हमारा बहुत आर्थिक नुकसान भी हुआ, चैनलों ने भी जो है उसके लिए बहुत पैसे की मांग की, तब वो कार्यक्रम को दिखाया, हमारा कोई ऐसा निजी स्वार्थ भी नहीं था। दूसरी बात, हमें इतना जो बड़ा कार्य है, इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आर्थिक रूप से भी हमें सब सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा अपना जो जीवन है वो अर्थ प्रधान नहीं है, मैं धर्म प्रधान है, मेरे लिए धर्म ही मुख्य है, अर्थ तो सहज है, जैसे जो भी प्राप्त हो बस उसी में संतुष्ट, उसके लिए कोई विशेष भाग दौड़ नहीं है, उसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं है, जबकि वो विशेष आवश्यकता भी है जीवन की। तो
उसके उपरांत भी मैं समाज के सामने ये विषय को अच्छे से कैसे रखूँ, यानी इस बात को लेकर मैं निरंतर व्याकुल रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ और प्रयत्नशील भी हूँ। बहुत सारे विषय हैं जो हमें शीघ्रातिशीघ्र जो है आप लोगों के समक्ष रखना बहुत आवश्यक है, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जो है हम चाहकर भी इसको आगे बढ़ाने में वैसी तीव्रता नहीं ला पा रहे जैसी लानी चाहिए। तो ये सारी शंकाओं को आप मिटा दीजिए, घर घर में शंख रखिए, घर में महाभारत ग्रंथ को रखिए, उसको पढ़िए, महाभारत का पारायण स्वयं करिए, भागवत कथा अगर आपको करानी है आप उसका स्वयं पारायण कर सकते हैं, उसके लिए दुनिया भर के बड़े बड़े मंच लगाकर और उसका पाठ करोगे तभी आपके उद्धार होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से पढ़ सकता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप हिंदी में पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं और ये करिए आप लोग। वाल्मीकि रामायण को महत्व दीजिए, रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जिसका वो एक भक्तिप्रद ग्रंथ है, परंतु वाल्मीकि रामायण है उसका भी पारायण हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं दुर्गा सप्तशती पाठ को लेकर भी हैं कि नहीं, घरों में जैसे लोग नारियल है कलश के ऊपर नारियल रखते हैं तो फिर उसके बाद उसी कलश को बांध के अपने घर में रख देते हैं, जबकि ये एक दोषपूर्ण है। आपको अच्छी तरह से पता है कि नवरात्रि में जब हम पूजन करते हैं तो सारी चीज़ें जो भी पूजन की सामग्री होती है सब विसर्जित करते हैं। कलश आप जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं तो कलश स्थापित करना है तो आप कलश रखिए, नहीं समझ में आता है तो उसमें भाई कलश में होता क्या, तीर्थ का जल होता है और कलश की महिमा का वर्णन लिखा होता है, कलश पे रखे हुए नारियल की महिमा नहीं है। वैसे भी कलश पे नारियल रखने का कोई विधान नहीं है, उस पर तो एक पूर्ण पात्र रखा जाता है, चावल से भरा हुआ पात्र रखते हैं, और जो कलश के ऊपर नारियल रखते हैं तो वो 9 दिन तक दूषित तत्वों को, दूषित वातावरण को एक प्रकार से वो ग्रहण करता है। नींबू है, नारियल है, ये शुद्ध पवित्र चीज़ें होती है, तो ये जैसे हम लोग किसी के सिर पर घुमा देते हैं तो वो दोष को खींच लेती है, नकारात्मकता को खींच लेती है, तो उस नकारात्मकता को जो नारियल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, खींच लिया है, तो उसे हम कैसे उसको घर में रखे, उसको उस दूषित तत्व को, उस नकारात्मकता को यहाँ से बाहर विसर्जित कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ ऐसी बातें होती हैं, फिर परंतु लोग उसको बांध के रखते हैं कि नहीं कलश के ऊपर रखा हुआ है तो बांध के रख दो। तो ये ऐसी अनेक बातें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए और इसका आप लोग प्रयोग जैसा भी हम बता रहे हैं उस हिसाब से ये सारे विषय समझने का प्रयत्न करें, नकारात्मकता और सकारात्मकता के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें और उसी के आधार पर अध्यात्म को समझने का प्रयत्न करें कि हमें नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मकता को दूर करना है और सकारात्मकता को अपने अंदर आत्मसात करना है। और हनुमान जी जैसे शुद्ध सात्विक देवताओं का जो बजरंग बाण आदि पाठ है, ऐसे ही शंका है कि नहीं बहुत से लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते, लोगों में भय उत्पन्न कर दिया है, शपथ दी हुई है तो शपथ किस बात के लिए दी हुई है, भूत प्रेत पिशाचों को भगाने के लिए शपथ दी हुई है तो क्या परेशानी, भूत प्रेत भाग जाए तो, और उसी के भगाने के लिए तो हम लोग न जाने ये सब कर्म कांड करते हैं, तो वो कार्य एक बजरंग बाण कर देता है, पाठ करे बजरंग बाण की, अनुमत करे, रक्षा करे प्राण की, तो एक रक्षा कवच है, प्रेतों को नष्ट करने वाला एक अस्त्र है और शत्रु को भी नष्ट करने वाला अस्त्र है, तो उसका प्रयोग करने में आपको क्या शंका है। तो आप इस दिव्यास्त्र का जीवन में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, सामान्य रूप से अभी मैं आपने जो तो सिद्धि तो प्राप्त कर ली है लेकिन इसमें अहंकार की गंध बिल्कुल मत आने देना, और ये मत सोच लेना कि श्री हनुमान जी है अब तो बजरंग बाण सिद्ध हैं हम तो जो चाहे सो उनसे करवा लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो एक आपको अपना जीवन भी वैसे सात्विक बनाना पड़ेगा जैसा हनुमान जी सात्विक देवता है, जिस देवता की हम आराधना करते हैं हमारी प्रकृति भी वैसी ही होनी चाहिए। मैं आरंभ से सात्विक शक्तियों की आराधना करता आया हूँ, विशेष रूप से मेरी हनुमान जी में प्रीति रही, माना कि मेरे इष्ट की प्रकृति भिन्न रही, भगवान श्री राम से भिन्न मेरे इष्ट रहे, फिर भी मेरा श्री हनुमान जी से स्नेह रहा क्योंकि साधु संतों के प्रति उनका जो भाव है वो रक्षा कारक है, उनकी प्रकृति सात्विक रही तो मेरी प्रकृति सात्विक रही, सात्विक होने के नाते हमने उनको
अंगीकार किया। तो आपकी प्रकृति में, आपके जीवन में, आपका आहार विहार में यदि हनुमान जी कृपा से सात्विकता आ गई तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके साथ हैं। और यदि आपका खान पान आहार विहार संगत यदि असात्विक है तब फिर आपको ये बजरंग बाण पड़ने से थोड़ा कष्ट हो सकता है, बाधा आ सकती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। और जब ये प्रयोग करेंगे, जैसे भी आपको अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं हमें बजरंग बाण का, आपको चूँकि ग्रहण काल में जिन्होंने भी कम से कम 100 पाठ किए हैं, कम भी पाठ हुए तो उसको कोई ऐसा नहीं समझना कि सिद्धि नहीं हुई है। आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए आपके अंदर किस व्यक्ति को कितने पाठ पे कहाँ सिद्धि मिलेगी। संख्या का तो अपना महत्व होता है, परंतु ग्रहण काल में संख्या गौण हो जाती है, संख्या का महत्व नहीं होता। ग्रहण काल आप में, पूरे ग्रहण काल में आपको आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप ये मंत्र पढ़ोगे, एक मंत्र वो पढ़ोगे, दो मंत्र पढ़ोगे तो कुछ हासिल नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने आज सूर्य ग्रहण काल में पूर्ण पूर्ण ग्रहण काल में बजरंग बाण पढ़ लिया, वो अपने अंतकरण में महसूस कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि हाँ हमारे पास कुछ प्राप्त हो गया, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो गई। बस केवल अपने जीवन में अहंकार ना आने दे तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। जहाँ अहंकार आया तो फिर आध्यात्मिक शक्तियाँ किसी को प्राप्त होती क्यों नहीं है, बस केवल अहंकार के कारण। और अहंकार आता ही है, उनको लगता है कि हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन अहंकार आ गया, आध्यात्मिक जगत का अहंकार बहुत हानिकारक होता है। प्रेम पंथ अति कठिन, चलनो अति दूर, चढ़े तो चाखे रस, गिरे तो चकनाचूर। तो इसमें गिरने का भय भी अधिक होता है। अध्यात्म जगत एक ऊँची अवस्था है, आप ऊँचे पहाड़ पर जाइए, जमीन पर ठोकर लग गई, गिर गए तो घाव लग जाएगा, पहाड़ पे चढ़ गए और हाथ फिसल गया तो सीधा हड्डियाँ टूटनी है फिर। तो अध्यात्म जगत से पतित होना फिर उसके लिए जो समस्या हो जाती है। हाँ, परंतु जो निरंकारी होते हैं, जिनकी भावना शुद्ध होती है, सरल चित्त होते हैं, सरल मन के होते हैं, भगवान उनकी कमियों को क्षमा कर देते हैं और अहंकारियों को फिर वापस उसी जगह से पहुंचा देते जहाँ से वो निकले थे। क्योंकि बुद्धि को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यदि आप में अहंकार ना आए तो आप इस बजरंग बाण के अनेक प्रयोग कर सकते हैं। किसी शत्रु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कभी इसका प्रयोग नहीं करना। निश्चित रूप से हनुमान जी ऐसे देवता नहीं कि आप छोटे मोटे आपको ये किसी को मारने के लिए भेज दोगे और वो चल देंगे, ऐसा नहीं है। आपकी रक्षा करना उनका मुख्य कार्य है, आपके परिवार की रक्षा कार्य वो करेंगे, आपका भला करेंगे, लेकिन किसी का बुरा करना उनका स्वभाव नहीं। हाँ, जो असुर है, तामसी लोग हैं, उनको प्रार्थना की गई है उसमें सहज में ही, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, तो इनको तो वैसे ही वे समाप्त कर देंगे। तो उसमें आपको सोचने की कोई चिंता का विषय नहीं है, वो स्वतः आपका कार्य होता रहेगा। कुछ लोग जब ये बजरंग बाण पाठ करते हैं तो उनके घरों में कुछ कलह होने लगता है या कुछ चीज़ उखड़ती है, तो इसीलिए उखड़ती है। आपके घर में प्रेत बाधा होती है, पितृ बाधा होती है, तभी ये सब चीज़ें बजरंग बाण पढ़ने के बाद तरह तरह का एक कलह और घटनाएं घटती है, और ये लक्षण है इस बात के। तो आप पढ़ते रहिए। जैसे हम लोग भी सामान्य रूप से किसी के तांत्रिक क्रिया होती है, तांत्रिक बाधा होती है और उसके लिए हवन करते हैं, तो 2-3 हवन तो उसको उसकी बाधा को उखाड़ने में ही, पता लगाने में ही लगाने पड़ते हैं, फिर उसका संहार करने में समय देना पड़ता है, उसमें भी फिर अलग से हवन करने पड़ते हैं। तो ये काम इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि जब तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं तो वो लोग अपनी पूरी ताकत, ऊर्जा, अपना प्राण, सर्वस्व, आहुति, धन संपदा सब कुछ लगा देते हैं, तो उसमें भी समाधान थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो साधक को धैर्य रखना चाहिए, अहंकार नहीं आने देना चाहिए और सात्विक आहार विहार रखना चाहिए, शुभ भावना से इन प्रयोगों को करना चाहिए। कोई शत्रु है आपको कष्ट पहुंचा रहा है, अच्छा वो पहुंचा रहा है तो इसका एक प्रयोग है, बजरंग बाण का शत्रु के रूप में शमन के लिए प्रयोग करना है। तो आप संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी, मेरे जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु हो, जो मुझे हानि पहुंचा रहे, मेरे परिवार को कष्ट पहुंचा रहे, उसका आप शमन करिए, दमन करिए, उनका संहार करने का कोई संकल्प मत करिए। और संहार करने का प्रयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है फिर उनके भी पुण्य और वो भी अपर जो है विपरीत प्रहार करते हैं, उनके भी कोई कुल देवता इष्ट देवता होते हैं तो वो प्रहार करते हैं, तो हानि दोनों को होती है। कौरव और पांडव में युद्ध हुआ तो ऐसा नहीं, बचा कोई नहीं फिर, चाहे पांडव रहें चाहे कौरव रहें, तो परिणाम अच्छा नहीं होता। तो आप शमन दमन का संकल्प करिए और अपनी रक्षा का संकल्प करिए, फिर उसके बाद आप
संकट मोचन अष्टक का पाठ करिए, 11 पाठ। फिर बजरंग बाण पढ़िए, यथाशक्ति 21 पाठ करिए, 51 पाठ करिए, 100 पाठ करिए, जितना हो सके। और फिर 11 पाठ संकट मोचन अष्टक का करिए। इस तरीके से अगर आप संकट मोचन अष्टक से बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपका संकट भी दूर होगा और आपका शत्रु भी नष्ट होगा, यानी शत्रु बाधा नष्ट होगी। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप हनुमान चालीसा का उसमें संपुट देकर कर सकते हैं। बजरंग बाण जो चीज़ सिद्ध हो गई तो उसका उसको आप संपुट दे सकते हैं। बजरंग बाण से भी किसी चीज़ को संपुट दे सकते हैं। रक्षा चाहते तो राम रक्षा स्तोत्र से संकट संपुट दे सकते हैं। अगर पाठ करते समय यदि आपको क्रोध आता है या आपको भक्ति चाहिए या आपको ज्ञान चाहिए तो आप श्री रामचंद्र कृपालु भज मन की स्तुति से आप संपुट दीजिए। तो इस तरीके के इसके प्रयोग होते हैं। मैं आपको बताने लग जाऊं तो बहुत कुछ है, परंतु आप ये सब चीज़ें जो हैं पात्र व्यक्ति को ही चाहिए, तो जो पात्र होंगे वही इसका प्रयोग कर पाएंगे और वही इसको समझ पाएंगे कि हाँ इसको कैसे प्रयोग करना है। और दूसरी बात ये है कि आप ये सोच लोगे कि नहीं हम बिल्कुल ऑनलाइन बैठे हैं चैनल से सारी चीज़ सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जो आध्यात्मिक जगत के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना पड़ता है। आपके अंदर जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। कपटपूर्वक कोई यदि ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर भी लेगा और करना चाहेगा और कर भी लेगा तो वो उसके किसी काम ना आएगा। कर्ण ने भले ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया लेकिन वो उसके किसी काम नहीं आया। तो ऐसे ही है, आपके अंदर श्रद्धा विश्वास भक्ति प्राप्त हो, हनुमान जी से पहले ये चीज़ मांगिए। सद्बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए, भक्ति मांगिए। ये चीज़ें जब आपके जीवन में आएगी तो बाकी चीज़ें अपने आप आपके पीछे पीछे आ जाएगी। मेरे शत्रु का नाश हो, फलाने का नाश हो, ये हो वो हो, आप देवता जो होते हैं आपके वो सहायक होते हैं, देवता आपके मार्गदर्शक होते हैं, आपके वो नौकर नहीं है, इतना याद रख लेना। सेवक नहीं है आपके, आपके सहायक है। तो उनके भी कुछ नियम होते हैं, उनकी भी भक्ति करना चाहिए। दूसरी बात, आगे उन्नति साधने के लिए एक निश्चल मार्गदर्शक की आवश्यकता है। माना कि मैं अपने ओर से मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं रखता हूँ, समाज में भी और अच्छे संत महापुरुष है, आज भी है। आप उनकी निश्चल भाव से उनके सानिध्य में रहोगे, सेवा करोगे, समझोगे और अपने अहंकार का त्याग करके यदि उनसे जिज्ञासा करेंगे, तत्वेदि प्रणिपाते ना, वहाँ जाकर आप प्रणिपात करिए, प्रणाम करिए। आपके प्रणाम करने से आपका पता चलता है कि आपके अंदर क्या है। परिप्रश्न न सेवाया, फिर आप सेवा करो फिर परिप्रश्न करो। यहाँ तो ये हाल है कि व्हाट्सएप में कुछ तो ऐसा कहते कि भैया वो ऐसा लगता है कि जैसे हम बंधे हुए हैं, किनका उत्तर देना ही देना है। किसी को मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आपने रिप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने, फिर ये नंबर किस लिए रखा है। तो इस तरीके से भी ऐसे वहाँ उदंड प्रकृति के लोग भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब तो एक अभ्यास हो गया है। और फिर जो हमसे द्वेष और शंका रखते हैं, द्वेष रखते हैं, हमसे शत्रुता रखने का प्रयत्न करते हैं, अब हमारे अंदर भी दया नहीं रह गई है। ऐसे लोगों के लिए अब कोई दया नहीं हमारे मन में है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि अब शत्रु ही शत्रु चारों तरफ है। तो शत्रु के साथ अनायास ही जो सनातन धर्म के शत्रु है, दुष्ट है, नीच है, ऐसे लोगों के प्रति अब दया का समय नहीं है। और हमने भी अपना जो अब उग्र स्वरूप जो है, अब अपनी उग्र साधनाओं को धार देना आरंभ कर दिया है। तो इसलिए ऐसे लोग अगर फतंगे के भांति अगर हमारे उस भगवती के बलि बनना चाहे तो हमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोगों का आह्वान करता हूँ मैं। और जो सज्जन हैं, सदाचारी हैं, उनके साथ सदैव मेरी देवी और शुभ कृप जो भावनाएं हैं वो सदैव आप लोगों के साथ रहेगी। तो आप इस अभियान में, इस संकल्प में आप जुड़े रहें। आगामी समय में भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत सारे विषय हैं और ये लॉकडाउन के कारण बहुत सारे काम हमारे रुक गए। यंत्र कवच आपको पहुँचाने में भी बहुत सारी असुविधा हुई, फिर भी मैंने आपको बताया कि ये भौतिक व्यवस्था बनाना मेरा
न तो वो विषय है न मैं मेरे लिए संभव है। ऑनलाइन जितना भी हो सके मैं आप लोगों के संपर्क में हूँ। और भी अभी त्रिकाल संध्या का विषय बहुत शीघ्र आने वाला है, और अब मुख्य जो विषय हमारा ये है कि बजरंग बाण का 23 जुलाई से लक्ष्य चंडी महायज्ञ की मैं घोषणा कर चुका हूँ। वेबसाइट में उसका डिटेल्स दी हुई है। अभी एक दो दिन में इसकी पुनः विधिवत घोषणा भी कर देंगे। तो लक्ष्य चंडी महायज्ञ का प्रयोग जो है, इसमें विशेष रूप से हम माँ पीताम्बरा के साथ माँ भगवती धूमावती का हम आह्वान करेंगे। 1962 में पीताम्बरा पीठ के जो महा पीठाधीश्वर थे, स्वामी जी महाराज उनका नाम था, उन्होंने ऐसा छोटा सा प्रयोग किया था सहस्त्र चंडी महायज्ञ का, और उसमें विशेष रूप से धूमावती शक्ति का आह्वान हुआ था, और उसी धूमावती शक्ति ने इन चीनियों को धूल चटाई थी। तो अब समय पुनः आ गया है, और उसके लिए मुझे कुछ साधकों की आवश्यकता है, ऐसे उपासकों की आवश्यकता है जिनके अंदर राष्ट्र की भावना हो, ऋषित्व का तेज हो। और उसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, केवल आपके अंदर आप योग्य होने चाहिए, पात्र होने चाहिए, आप उतना समय तक समय दे सके। और इस बार जो है, जो लक्ष्य चंडी का प्रयोग है, वो धूमावती माँ भगवती का भी उसमें आह्वान होगा, क्योंकि अब शत्रु का सर्वनाश करने का समय आ गया है। क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं घट गई हैं, वो किसी को भी विचलित कर देगी, किसी भी भारतीय के हृदय को आहत करने के लिए पर्याप्त है। वो सदैव हमारे पीठ पर खंजर घोपे गए हैं, हम किसी का हित नहीं करते, फिर भी जो है हमारे साथ छल होता है, कपट होता है, ठगी होती है, लालची लोभी विश्वासघाती लोग हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हम इनको पहचान नहीं पाते हैं, समय आने पर ही अपनी कार्य कर जाते हैं। तो ऐसे अज्ञात शत्रुओं को समाप्त करने के लिए, दूसरी बात, कुछ ऐसे तांत्रिक तत्व होते हैं जो बड़े प्रबल होते हैं, उनका भी संहार करना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि हम लोग कोई प्रयोग करके उनको अपनी वापस भी करते तो वो वापस लौटा देते हैं। और कुछ ऐसी पितरों में भी कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं, कुछ प्रेतों में ऐसी दुष्ट आत्माएं होती, बलवान आत्माएं होती हैं, जो विधर्मियों के द्वारा भेजी होती हैं, विधर्मी तत्वों से जुड़ी होती हैं। तो कभी कभी हम लोग उनको नष्ट करने में सक्षम नहीं पड़ते। तो ऐसे जो लोग कहीं ना कहीं कम जो है निर्बल पड़ जाते हैं, तब वहाँ पर महाविद्या शक्ति का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस बात हम, चूँकि हमारा सौम्य रूप ही सामने सदैव रहता है, परंतु अब ये एक उग्र रूप भी जो है वो सामने लाने का अब समय आ गया है। तो वो इस लक्ष्य चंडी महायज्ञ के माध्यम से आएगा, और समय जो है अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम शांति से रहे और शांति से कोई हमें रहने देगा, ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता है। प्रकृति ने भी अपने बहुत परिवर्तन करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो ऐसे में हमें ये लक्ष्य चंडी महायज्ञ में आपको सहायक बनना है। हाँ, ये है कि जो भी हमारे संकल्प के साथ जुड़ेगा, जो भी इस अभियान का सहभागी बनेगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं, जब तक वो पाठ चलेगा वो मेरी जिम्मेदारी है। किसी को किसी भी प्रकार का, यदि वो जो नियमों का पालन करेगा, उसकी भावना राष्ट्र भावना होगी, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के कल्याण के लिए करेगा, शत्रु राष्ट्र की विनाश का उसमें संकल्प जरूर होगा इस बार। और इसे सैनिकों को साहस मिलेगा, संबल मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगी, विवेक मिलेगी, क्योंकि साहस और बल की आवश्यकता है। साहस के बिना आपके पास बल भी होगा और साहस नहीं होगा तो वो बल भी व्यर्थ है। किसी के पास आत्मरक्षा के लिए, उसके पास भले ही वेद शस्त्र उसके पास रखा हो, लेकिन चार लोग यदि खड़े हो गए चक्कू लेकर, तो उसके अंदर का जब साहस यदि नष्ट हो जाएगा तो वो उसको शस्त्रों का भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 सद्गुण जो है श्रेष्ठ माने गए। तो इसके लिए ये देवी शक्तियाँ उनको इस गुणों के रूप में उनके शरीर में, उन वीर सैनिकों के शरीरों में प्रवेश करती हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारा कोई सैनिक शरीर देश राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देता है, अपने प्राणों की आहुति देता है, तो हमारे सैनिक मारे गए ऐसे शब्द का कभी प्रयोग न करें। हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए,
शहीद शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का भाग नहीं है शहीद शब्द। आप ये कहिए कि हमारे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वीरगति को प्राप्त हुए, दुर्गति और एक सदगति होती है, तो वीरगति से श्रेष्ठ क्या सदगति हो सकती है। तो ऐसे जब वीर हमारे सैनिक सदगति को प्राप्त हुए, उनके लिए ये कहना कि वे मारे गए, ये उनका एक प्रकार से अपमान है, अनादर है, उनके बलिदान का एक प्रकार से कहीं ना कहीं, आजकल वो चैनलों को भी मैं देखता हूँ इस प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा हृदय आहत होता है। तो कम से कम आप जो जो इस संस्कृति और संस्कार के संरक्षक हैं, इन शब्दों को प्रयोग करने का आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। शहीद आदि ये शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वीर है, पराक्रमी है, महावीर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। हुतात्मा शब्द है, तो इनका ये शब्द शुद्ध शब्द है, उनका प्रयोग होना चाहिए। और हमें किसी भी रूप में, जहाँ भी सैनिक है, जहाँ भी सरकार है, वहाँ हम लोग अपने अपने घरों से एक शक्ति, देवी बल उनको प्रदान करने के लिए ये प्रयोग हम लोग करेंगे, लक्ष्य चंडी का प्रयोग करेंगे। बाकी धीरे धीरे कोरोना जैसी महामारी है, उसका समाधान भी केवल इसी देवी यज्ञ से आने वाला है। मैं आज भी कहता हूँ कि यदि यज्ञ का प्रयोग, जितना ये लोग लाखों करोड़ों रुपए दुनिया भर की दवाओं में खर्च कर रहे हैं, यदि ये अपने अहंकार का त्याग करें, और कुछ नहीं है भौतिक विज्ञान, एक केवल झूठा अहंकार के अतिरिक्त और विनाशक स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऋषि मुनियों का ज्ञान एक श्रेष्ठ विज्ञान है, और उसकी बराबरी ये कभी ना कर पाएंगे। ये केवल भौतिक विज्ञान पूरे मानव समाज को, पूरे विश्व समाज को विनाश के कगार पर लाकर छोड़ देगा। और जो ये ऋषि मुनियों का देवी विज्ञान है, यही वास्तविक मानव और विश्व के कल्याण के लिए है। तो यज्ञ विज्ञान के द्वारा इसका समाधान है। आज तो यदि आज भी ये प्रयोग किया जाए, सतकोटि चंडी पाठ का अगर संकल्प किया जाए और उसको विधिवत यदि उसको साकार रूप दिया जाए, तो ये महामारी का समापन हो सकता है। वैश्विक स्तर पे अगर ये सतकोटि चंडी या सहस्त्र कोटि चंडी का प्रयोग हो, तो समापन उसका महामारी का हो सकता है। परंतु ये जो भारतीय सनातन संस्कृति के ज्ञान विज्ञान को स्वीकार करने में जो इनके अंदर बैठी हुई नकारात्मकता और व्यर्थ का अहंकार, कि नहीं इसे सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, ऋषि मुनि के ज्ञान का, क्योंकि उनके लिए तो ये अंधविश्वास है। मंत्र विज्ञान उनके लिए केवल वो मानने की चीज़ें हैं, और वो जीवन में उतारने की तो वो समझते ही नहीं है। परंतु मैं आज कहता हूँ ये बात, आत्मविश्वास पूर्वक कहता हूँ कि अब इनके सामने भारतीय सनातन संस्कृति का कि घुटने टेकने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं है, अन्यथा ये ऐसे ही प्रकृति के द्वारा दंडित होकर समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति के प्रकोप को केवल एक ऋषि की प्रार्थना ही शांत कर सकती है, एक संत का संकल्प ही उसको शांत कर सकता है, एक भक्त की प्रार्थना ही उसको शांत कर सकती है। अन्यथा प्रकृति ने जो प्रकोप, जो स्वरूप धारण किया है, उसको कितने भी आप कोई कुछ भी कर लीजिए, तो समय बताएगा। अब जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य चंडी महायज्ञ है। यदि इसमें सफलता रही तो हम लोग 10 लक्ष चंडी, फिर उसके बाद 7 कोटि चंडी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस तरीके से मैं अपने जीवन में जो संकल्प मेरे मन में था, जो मुझे देवी शक्तियों के द्वारा हिमालय से जो एक संदेश और एक जो संकल्प मेरे हृदय में स्फुरित हुआ, उस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उसमें आप लोग ज्ञात अज्ञात रूप से जो मेरे सहायक बन रहे हैं, निश्चित रूप से आप अत्यंत पुण्यात्मा, तपस्वी और ऋषि आत्मा ही हो। तो मैं पुनः आपका आह्वान करूंगा, और आशा है, आप विश्वास है मुझे कि आप सभी पुनः मेरे साथ सहयोगी बनकर इस अभियान में जुड़े रहेंगे। फिर ब्रह्मास्त्र प्रयोग में जितनी मैं संख्या चाहता था, मुझे ये तो पता नहीं कितने लोगों ने इसके पाठ में भाग लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 10,000 के लगभग साधकों ने इसमें भाग लिया है। क्योंकि जिस प्रकार से मेरे पास संदेश आए हैं उसको, और ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग को भी बहुत से लोगों ने, उसको वीडियो भी नहीं भी देखे हैं, फिर भी एक परिवार में जैसे अगर पिता ने किया है तो उनके पुत्र ने, पत्नी ने मिलकर भी इस तरह किया है। अड़ोस पड़ोस वालों को भी उन्होंने बताया है कि हाँ आप पाठ करो। बहुत से लोगों ने 400-500 लोगों को, बहुत से लोगों ने अपने बजरंग बाण को उसको छाप कर जो है प्रिंट निकाल के उसके प्रिंट लोगों में बांटे हैं। तो
बहुत लोगों ने कार्य किया है जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, पर उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो हम लोग कहीं ना कहीं एक बिंदु पर केंद्रित होने के नाते हम जुड़े रहे। तो आपने तो 10,000 के लगभग लगभग साधकों ने, जहाँ तक मुझे अनुभव है, इसमें भाग लिया है और 100 से अधिक पाठ भी किए हैं, कुछ 51 भी पाठ किए हैं। तो 100 के लगभग लगभग एक अनुपात 100 का ही रहा है। तो इस प्रकार से 10 लक्ष के लगभग लगभग ये ब्रह्मास्त्र जो दिव्यास्त्र प्रयोग हुआ से बजरंग बाण का, तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका एक लाभ ये है कि सूर्य ग्रहण से जो दूषित प्रभाव आपको जो झेलना पड़ता, उससे आपकी रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी और हम लोग सफल होंगे अपने कार्यों में, अपने उद्देश्य में, अपने शुभ संकल्प में हम लोग सफल रहेंगे। तो आशा है आने वाले लक्ष्य चंडी महायज्ञ के लिए आप अपने को तैयार करेंगे। और अभी गुप्त नवरात्रि भी हैं, चाहे तो आप लोग रक्षा कवच पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में इस पर मैं अधिक विशेष रूप से कुछ बात नहीं रखना चाहता। आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई अलग से मेरी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और दुर्गा जी का 32 नाम है, देवी कवच है, पढ़ सकते हैं, आगे इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो पुनः हम इस पे संपर्क में बने रहेंगे, सानिध्य में आप बने रहे और लक्ष्य चंडी महायज्ञ को आप किस प्रकार से सफल कर सकते हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है, यदि आपके पास कोई सुझाव भी हो तो आप वो भी भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। नारायण नारायण नारायण।